अपन क्लास तीसरी का हिंदी का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, नए राजा का चुनाव, यानी कि एक राज्य का नया राजा चुनना। तो इसकी कहानी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह से ध्यान है। अब अपन इसका आज वापस रिवीजन कर रहे हैं, दोहरान कार्य कर रहे हैं। तो कहानी देखते हैं, देखो पूर्व के एक देश का राजा बूढ़ा हो चुका था, यानी कि पूर्व देश का, अपनी दिशाएं कितनी है, चार है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये पूर्व दिशा का एक राजा था, या पूर्व देश का एक राजा था जो अब बूढ़ा हो चुका था। राज्य संचालन के लिए राजा का कोई पुत्र योग्य नहीं था, यानी कि राजा के पुत्र थे बट राज्य चलाने के लिए योग्य नहीं थे, उनके अंदर इतना ज्ञान नहीं था कि वो इस राज्य को चला सके। तो राजा को बहुत चिंता होने लगी कि अब मेरे राज्य का क्या होगा, मेरा एक भी पुत्र योग्य नहीं है जो मेरा राज्य संचालन या संचालित कर सके। राजा ने प्रजा में से राजा चुनने का निर्णय लिया। राजा ने क्या किया कि भाई अब मेरे पुत्र तो कोई योग्य है नहीं जो राजा बन सके, तो उसने क्या किया कि मैं प्रजा, जो भी उस राज्य की प्रजा थी, उसमें से एक राजा चुन देता हूं, अच्छा राजा चुन लेता हूं, ताकि मेरा राज्य दिनों दिन प्रगति करे। उपाय किया, राजा ने देश के सभी किशोरों को बुलाया, यानी कि राजा ने क्या किया, जो किशोर थे, यानी कि किशोरावस्था क्या होती है, 18 वर्ष तक के सारे बच्चों को बुलाया, यानी कि 13 साल से 18 साल के बीच के सारे बच्चों को बुलाया, इनमें से अपने को एक राजा चुनना है। बुलाकर एक एक बीज दिया, बोला एक साल बाद में जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसे राजा बना दिया जाएगा। राजा ने क्या उपाय किया, सभी किशोरों को बुलाया और एक एक बीज दिया कि मैं एक साल बाद में आप मेरे पास आना, इस बीज को बो के गमला लेकर मेरे पास में आना, जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसको इस राज्य का राजा बना दूंगा। तो बच्चे घर जाते हैं, अच्छा गमला लेते हैं और उसमें वो सारे बच्चे वो बीज बो देते हैं, और साल भर बाद में क्या है, उस पौधे को अच्छा पनपाना है, जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा ना उसको राजा, उस राज्य का राजा बनाएगा। तो सब मेहनत करने लगे, दिनों दिन पानी देने लगे। एक बालक लियान भी था जिसने अपना बीज बो दिया, उन बालकों में से एक लियान नाम का बच्चा था, उसने भी घर जाके गमले के अंदर अपना जो बीज था वो बो दिया और उसको हमेशा पानी देता और देखता रहता। सबके बीज उग गए लेकिन लियान का बीज नहीं उगा, बहुत उदास रहने लगा, यानी कि सारे बच्चे थे ना, सबको बीज दिए थे ना, उन सबके बीज उग गए और लियान का बीज उगा ही नहीं। वो हमेशा सबने बोया, वैसे भी बोया और हमेशा उसको पानी देता, सब बच्चे पानी देते, सबके बीज उग गए लेकिन जो लियांग का बीज था वो अंकुरित हुआ ही नहीं। अब वो उदास रहने लगा कि अब मैं राजा को कैसे मुंह दिखाऊंगा। उसको मन ही मन लगा कि मैंने अच्छी तरह से सेवा नहीं की होगी, टाइम से पानी नहीं दिया होगा, इसीलिए मेरा बीज नहीं होगा। अब वो बहुत उदास रहने लगा कि मेरी तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो राजा कैसे बनूंगा, मेरा तो बीज भी नहीं अंकुरित हुआ है, सबके पौधे बन रहे हैं। तो वो उदास रहने लगा। क्या कहता है अपनी माँ से, लियान अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरा पौधा तो अंकुरित हुआ ही नहीं, उगा ही नहीं, मैं राजा के पास में खाली गमला लेके नहीं जाऊंगा। तो लियान, देखो लियान ने अपनी माँ से कहा वो राजा के पास खाली गमला लेकर नहीं जाएगा। माँ ने लियान को समझाया, आपने तो आपकी पूरी मेहनत की है, यानी कि माँ समझाती है लियान आपको राजा के पास जाना चाहिए कि राजन मैंने तो मेरी पूरी मेहनत की है, उसके बाद में अगर बीज अंकुरित नहीं हुआ है तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो अगर नहीं जाओगे तो राजा को लगेगा कि लियांग तो आलसी था, उसने तो बीज बोया ही नहीं, और अगर आप राजा के पास जाओगे तो राजा को लगेगा कि वास्तव में बच्चे ने मेहनत तो की है, उसके बाद में गलती बीज की हो सकती है कि वो अंकुरित नहीं हुआ। माँ के समझाने पर लियांग गमला लेकर चला जाता है, यानी कि जब टाइम हो जाता है, एक साल पूरा हो जाता है, सारे बच्चे खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, सबके गमलों में पौधे थे और लियांग का गमला खाली था, फिर भी लियांग ने जो सब बच्चों के साथ में राज दरबार में पहुंचता है खाली गमला लेकर के।
राजा सब समझता है क्योंकि राजा ने उन सबको उबले बीज दिए थे, सबने अपने बीज बदल दिए थे, यानी कि राजा को तो सब पता था। राजा ने किया क्या था, सब बच्चों को उबले हुए बीज दिए थे जो कभी भी अंकुरित नहीं हो सकते थे, यानी कि एक भी बीज ऐसा नहीं था जो उगने लायक था। तो बच्चों ने क्या किया, अपने बीज थे वो राजा ने दिए थे वो बीज तो फेंक दिए और दूसरे बीज बो दिए और उसको पौधे उगा दिए। तो राजा को सब पता था, राजा समझ गए थे, लेकिन ईमानदार लियान ने बीज नहीं बदला। लेकिन लियान बहुत ईमानदार बच्चा था, उसने बीज बदला नहीं, उसने जो राजा ने दिया था वही बीज बोया। तो राजा को समझ में आ गया कि मेरे राज्य में ईमानदार कौन हुआ, लियान ही हुआ, कि बाकी वाले तो सबने राजा का कहना माना ही नहीं। और लियान ने अपनी अगर बीज नहीं भी उगा तो भी वो अपने ईमानदारी का परिचय देते हुए खाली गमला लेकर राज दरबार में पहुंचा। राजा ने खुश होकर लियांग को राज्य का राजा बना दिया, यानी कि राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और लियांग को उस राज्य का राजा घोषित कर दिया, क्योंकि राजा को एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ राजा की जरूरत थी, तो वो एक लियांग ही हो सकता था, इसलिए लियांग को उस राज्य का राजा घोषित कर दिया। पूरा पाठ पढ़ लिया है, नए राजा का चुनाव, अपन ने नया राजा भी चुन लिया है, आपको पाठ भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसके प्रश्नोत्तर करने हैं। प्रश्नोत्तर में देखो पहला अपना क्या है, शब्दार्थों को पुनः लिखो, जो ये शब्दार्थ दिए हुए हैं ना इनको, एक आगे तो खाली जगह है ना, इसमें इनको वापस लिखना है। पहला देखो प्रजा यानी आम लोग, यानी कि प्रजा यानी जनता या आम लोग। योग्य, योग्य यानी लायक। सप्ताह, सप्ताह यानी सात दिन, सात दिनों का समूह उसको बोलते हैं सप्ताह। 15 दिन के समूह को क्या बोलते हैं आपको पता है, पंखवाड़ा। और एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक महीने में मोस्टली 30 दिन या 31 दिन या महीना, फरवरी महीना है जो अपना 28 या 29 दिन का भी होता है। तो इन शब्दार्थों को आपको वापिस आगे लिखना है। उसके बाद अपना दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा क्वेश्चन है अन्य बच्चों के गमलों में पौधे उगे जबकि लियांग के गमले में नहीं, ऐसा क्यों हुआ। यानी कि अपने अच्छी तरह से कहानी पढ़ी थी, आपको समझ में भी आ गई है कि राजा ने सबको एक एक बीज दिया था, आपको पता है सबने घर जाकर के गमलों में उस बीज को बोया था, सबके पौधे तो उग जाते हैं लेकिन लियांग का पौधा है जो नहीं उगता है। लियांग दूसरे बच्चों की तरह पूरी मेहनत करता है फिर भी उसका गमला है जो खाली रह जाता है। वो गमला खाली क्यों रहता है, उसका कारण अपने को दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखना है। आगे देखो तीसरा, राजा ने लियांग को नए राजा के लिए क्यों चुना, यानी कि राजा ने लियांग को ही राजा क्यों बनाया, अपने बच्चों को भी नहीं बनाया, प्रजा थी इतनी सारी उसमें से भी किसी को नहीं बनाया, तो लियांग को बनाने का क्या कारण था, उस कारण को अपने को तीसरे के उत्तर में लिखना है। तो देखो ये कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है और इसको एक दो बार आप वापिस पढ़ना और इसको अच्छी तरह से याद करके आपको बाल सभा में भी आप इसको सुना सकते हो और अपने जीवन में इसको उतारना है, इस कहानी को अपने जीवन में उतारना है। अपने को भी लियांग की तरह ईमानदार बनना है, कर्तव्यनिष्ठ बनना है, अपने को कभी भी जीवन में बेईमानी नहीं करनी है और न ही कभी बेईमानी का साथ देना है। अपने को भी लियांग की तरह ईमानदार बन के एक राजा की तरह जीवन जीना है। थैंक यू।